आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशयाह की पुस्तक 45वां अध्याय वचन 14 से 25। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इसराइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे, वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इसराइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे।